गीता के उपदेश देने वाले, प्रेम की असल परिभाषा बताने वाले श्री कृष्ण ने कई लीलाएं की हैं। भगवान कृष्ण जब तक सशरीर धरती पर रहे, उन्होंने हर दिन नई नई लीलाओं से हंसना सिखाया, जीवन जीना सिखाया और भक्तों को प्रेम भी सिखाया। ऐसे में उन्होंने कई रूप भी धारण किए, जिनमें से एक है किन्नर का रूप। सुनकर यकीन नहीं हुआ होगा, लेकिन मान्यताओं के अनुसार ये सच है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जानने के लिए अंत तक जरूर देखें वीडियो। पहली कथा के अनुसार राधा के प्रेम में कृष्ण को किन्नर बना दिया था। दरअसल एक बार देवी राधा अपने पर मान कर बैठी। सखियों ने इन्हें काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन इनका मान कम न हुआ। इसके विपरीत जितना उनको उनकी गलती का एहसास करवाया जा रहा था, उतना ही उनका गुमान बढ़ता जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण भी राधा से मिलना चाह रहे थे, लेकिन मिलन नहीं हो पा रहा था। ऐसे में सखियों के परामर्श से कान्हा ने किन्नर रूप बना लिया और नाम रखा श्यामरी सखी। श्यामरी सखी वीणा बजाते हुए राधा के घर के करीब आए तो राधा वीणा के स्वर लहरियों से मंत्रमुग्ध होकर घर से बाहर आई और श्यामरी सखी के अद्भुत रूप को देखकर देखती रह गई। राधा ने श्यामरी सखी को अपने गले का हार भेंट करना चाहा, तो कान्हा ने कहा, देना है तो अपना मान रूप रत्न दे दो, ये हार नहीं चाहिए मुझे। राधा समझ गई कि ये श्यामरी कोई और नहीं श्याम है। राधा का मान समाप्त हो गया और राधा कृष्ण का मिलन हुआ। वहीं दूसरी कथा में धर्म के कारण श्री कृष्ण ने किन्नर का भेष धरा था। महाभारत युद्ध के वक्त पांडवों की जीत के लिए रणचंडी को प्रसन्न करना था, जिसके लिए राजकुमार की बलि देनी थी। इस दौरान अर्जुन के अपने पुत्र इरावन ने कहा कि वो अपना बलिदान देने को तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है, जो इस प्रकार है कि वो केवल एक दिन के लिए विवाह करना चाहता था। अब जाहिर सी बात है, एक दिन के लिए भला कौन सी कन्या तैयार होती। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को विजयी कराने के लिए किन्नर का रूप धारण किया और इरावन से शादी रचा ली। अगले दिन इरावन की बलि दे दी गई। बता दें, आज भी तमिलनाडु के कोथाम नवर मंदिर में इस परंपरा को किन्नरों द्वारा निभाया जाता है। इस परंपरा के अनुसार किन्नर अपने देवता इरावन से शादी करते हैं और अगले दिन विधवा हो जाते हैं। कृष्ण के लीलाओं की तो बात ही निराली है, लेकिन इनकी लीलाओं से कुछ न कुछ सीख देती है। तो इसी तरह की और भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को जानने के लिए जुड़े रहें कुंडली टीवी से। Oh.